फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप, यहाँ पे लिखा है आई एस आई के अनुसार कास्ट आयरन की कास्टिंग को किन शब्दों द्वारा लिखा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू आई एस आई कास्ट आयरन कास्टिंग आर रिटन बाय वर्ड। तो यहाँ दोस्तों इसका वर्ड पूछा गया है कि कास्ट आयरन की कास्टिंग को किस वर्ड के द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखें लिखा है कि एफ जी, बी में लिखा है बी एम, सी में लिखा है एस जी और डी में लिखा है पी एम। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा, ए का आंसर होगा एफ जी। एफ जी जैसे हमारा होता है, मैं एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ, एफ जी 300, एफ जी 350, एफ जी 400। तो ये कास्ट आयरन की कास्टिंग का जो वर्ड है जिनके द्वारा इसको जो लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे। तो यहाँ आता निकल के क्वेश्चन, सेंट्रीफ्यूगनल पंप में होने वाले सेंट्रीफ्यूगनल पंप में प्रयोग होने वाली डिस्क को क्या क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं और यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको आपके लिए पढ़ देता हूँ, व्हाट आर द डिक्स यूज द सेंट्रीफ्यूगनल पंप। तो ऑप्शन ए में डिक्स, रोलर, फ्लाई डिक्स, इम्पेलर। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डी, इम्पेलर। इम्पेलर का प्रयोग किया जाता है सेंट्रीफ्यूगनल पंप में। तो दो जो है क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ, डी इसका आंसर हुआ। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है लोहे का गलनांक होता है। तो यहाँ लोहे का गलनांक होता है आयरन इज मेल्टिंग पॉइंट। तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, तो ऑप्शन ए में देखें 1810 डिग्री सेल्सियस, बी में देखें 1620 डिग्री सेल्सियस, सी में है 1539 डिग्री सेल्सियस, डी में है 1648 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 1539 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है अधिक सबसे अधिक प्रयुक्त ग्रूविंग एंगल रस्सी के लिए होता है। तो द मोस्ट यूज ग्रूविंग एंगल इज फॉर रोप। तो यहाँ ए ऑप्शन में है 45 डिग्री, सी बी में है 70 डिग्री, सी में है 90 डिग्री और डी में है 100 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका होगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जो है रस्सी का ग्रूविंग एंगल रखा जाता है। तो इसका आंसर हुआ ए। इसके बाद चलते हैं फाइव क्वेश्चन पे। आरसीसी कार्य में प्रयोग होने वाले स्टील होते हैं स्टेनलेस स्टील। तो ये दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया है। तो यहाँ एक ऑप्शन ये है, तो बाय मिस्टेक ये प्रिंट में आ गया है। तो यहाँ पे जो है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं द स्टील यूज इन द आरसीसी वर्क। तो ऑप्शन ए में है स्टेनलेस स्टील, नरम स्टील और अधिक कार्बन वाली स्टील, हाई कार्बन क्रोम स्टील। तो यहाँ फाइव का आंसर हो जाएगा सी, अधिक कार्बन स्टील। अधिक कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील का प्रयोग अधिकतर जो है आरसीसी पाइप के लिए किया जाता है। तो फाइव के बाद चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पर। तो सिक्स क्वेश्चन है अधिक स्टेज वाले पंप को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है सिंगल स्टेज पंप, बी में है मल्टी स्टेज पंप, सी में है दो स्टेज पंप, तीन में है थ्री स्टेज पंप। तो सिक्स का जो आंसर जाएगा बी, मल्टी स्टेज पंप, इसको बोलेंगे मल्टी स्टेज पंप। इसके बाद चलते हैं सेवन क्वेश्चन पे। तो सेवन क्वेश्चन है स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। विच मेटल इज यूज टू मेक परमानेंटली मैग्नेट। तो ऑप्शन ए में देखें कोबाल्ट इस्पात, बी में है मृदु लोहा और सी में है पिटवा लोहा, डी में है स्टेनलेस स्टील। इंग्लिश में भी दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो सेवन का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कोबाल्ट स्टील। कोबाल्ट स्टील का प्रयोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद चलते हैं एट क्वेश्चन पे। तो एट क्वेश्चन निकल कर आता है किस कारण से रोटरी पंप कार्य करने बंद कर देता है। तो यहाँ ऑप्शन ए देखे लिखा है कि गियर का ढीला होना, बी में है दांतों का टूटना, सी में सॉफ्ट गियर का फ्री होना, डी में है तेल का मोटा होना। तो आठवें का आंसर हो जाएगा डी, तेल का मोटा होना। तेल यदि उसमें उसके जो दोस्तों गाढ़ापन होता है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके कारण जो रोटरी पंप कार्य करना बंद कर देगा। रोटरी पंप का जो आप इमेजेस देख सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद है नाइन क्वेश्चन, बैटरी से क्या तात्पर्य है, व्हाट डज बैटरी मीन्स। तो यहाँ ऑप्शन ए में सेल, सेलों का समूह, बी में है, सी में है प्राइमरी सेल, डी में है सेकेंडरी सेल। तो जो नौवे का आंसर होगा वो होगा सेलों का समूह। तो बैटरी का जो तात्पर्य है वह सेलों का समूह है, ग्रुप ऑफ सेल। इसके बाद टेन क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का। तो ए में एक क्वेश्चन लिखा है कि मोटर कितने प्रकार की होती है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोटर आर। तो वन ऑप्शन ए में है एक, बी में है दो, सी में तीन और डी में चार। तो मोटर जो है दो प्रकार की होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दो प्रकार।